हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सनी भाटिया आपके मेरे यूट्यूब चैनल द सन सनी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज का टॉपिक है कैलिफोर्निया एलमंड वर्सेस गुरबंदी एलमंड। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सा बादाम खाने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और किस बादाम में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो भी खाएं कुछ अच्छा खाएं और कुछ हेल्थी खाएं। आज मैं आपको उन्हीं हेल्थी फूड में से लेके आया हूँ बादाम। बादाम हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इससे हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट मिलता है। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि बादाम खाने से हमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और कौन सा बादाम खाने से कितना बेनिफिट हमारे शरीर को मिलता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बादाम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड मिलते हैं। 24 बादाम में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। बादाम में काफ़ी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 24 बादाम में आपको 14.2 ग्राम फैट मिल जाता है। बादाम में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ साथ विटामिन B6, जिंक, कैल्शियम और आयरन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बादाम के फायदे जानने के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन सा बादाम हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैलिफोर्निया बादाम के बारे में। कैलिफोर्निया बादाम मार्केट में आराम से मिल जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और ये गुरबंदी बादाम से काफ़ी सस्ता है। कैलिफोर्निया बादाम को काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद तैयार किया जाता है जिसके कारण इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी मीठा होता है। मैक्सिमम लोग कैलिफोर्निया बादाम खाना ही पसंद करते हैं। ज़्यादा प्रोसेसिंग होने के कारण इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वह गुरबंदी गिरी से काफ़ी कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं गुरबंदी बादाम के बारे में, जिसको हम छोटी गिरी भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज कैलिफोर्निया बादाम से छोटा होता है। इसका साइज कैलिफोर्निया बादाम से छोटे होने के बावजूद भी इसमें कैलिफोर्निया बादाम से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। गुरबंदी गिरी की एक पहचान ये होती है कि इसमें से कुछ दाने आपको कड़वे मिलते हैं। अब मैं आपको दोनों बादाम की गिरी को एक साथ दिखाता हूँ। आप खुद ही देखिएगा, जो गुरबंदी गिरी है वो थोड़े कालेपन में है और जो कैलिफोर्निया बादाम है वो थोड़ा वाइटपन में है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलती है। अब मैं आपको गुरबंदी और कैलिफोर्निया बादाम की न्यूट्रिशन वैल्यू दिखाता हूँ। आप खुद ही देखिएगा कि इन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू में कितना डिफरेंस होता है। गुरबंदी बादाम में कैलिफोर्निया बादाम से ज़्यादा एलमंड ऑयल होता है और जो न्यूट्रिशन बेनिफिट है वो भी कैलिफोर्निया बादाम से ज़्यादा होते हैं। बेसिकली कैलिफोर्निया बादाम को जो हम यूज़ करते हैं वो स्वीट्स को गार्निश के लिए और कुकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुरबंदी बादाम में काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये तो अपने अपनी चॉइस की बात है। कुछ लोग कैलिफोर्निया बादाम खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग गुरबंदी बादाम खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चॉइस की बात करें, मैं आपको गुरबंदी बादाम ही प्रीफर करूँगा क्योंकि गुरबंदी बादाम में कैलिफोर्निया बादाम से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और दोनों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक धन्यवाद।